हाय स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रॉम लेसन नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी एंथोलॉजी। हियर यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। इट इज़ अबाउट कल्टिवेशन मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। सो व्हाट वी कॉल फॉर दैट? हियर फर्स्ट ऑप्शन आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर मीन्स यू नो इट इज़ अबाउट स्टडी ऑफ ट्री, अबाउट ट्री इट इज़ cultivation and all. Next option B, floriculture. It is again agriculture of plants. Same. Horticulture. Anthology, it is about collection of songs, poems and all. So option B is floriculture. That is the correct answer. So option B is the correct answer. Question number 2. Non-essential floral organs in a flower are. Flower means it's a reproductive part of plant. Here non-essential means which is not required for the reproductive purpose. Look at the options. Option A, sepals and petals. Option B, anther and ovary. Option C, stigma and filament. Option D, petals only. Option A, sepals and petals. Yeah, sepals and petals are not required for the reproductive purpose. Option B, anther and ovary. Anther and ovary is very important for the reproductive purpose in flower. Option C, stigma and filament. Here stigma and filament also required for the reproductive purpose. Option D, petals only. So option D also correct answer. Petals are not required. It means non-essential floral organ. Now we are getting confused between A and D. Here option A says sepals and petals. So option A is the correct answer. So answer is option A, non-essential floral organs in a flower are sepals and petals. Question number 3, stamens represent. Option A, microsporangia. Option B, male gametophyte. Option C, male gametes. Option D, microsporophylls. It is a direct question, so we can tell the answer. Answer is microsporophylls. Option D is the correct answer. Question number 4, anther is generally dash. Option A, monosporangiate, bisporangiate, tetrasporangiate, trisporangiate. Monosporangiate means single, bisporangiate means two, tetra means four, tri means again three. So anther is four. So anther consists of four sac chamber. So answer is tetrasporangiate. Answer C is the correct one. Option C is the correct one. Anther is generally tetrasporangiate. Question number 5. The anther wall consists of four wall layers where they have
दे टोल्ड द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल लेयर्स. ऑप्शन ए टैपेटम लाइज जस्ट इनर टू एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टैपेटम. ऑप्शन सी एंडोथीशियम लाइज इनर टू मिडिल लेयर्स. ऑप्शन डी टैपेटम लाइज नेक्स्ट टू एपिडर्मिस. हियर टू अवॉइड कन्फ्यूजन वी शुड नो द अरेंजमेंट ऑफ फोर वॉल लेयर्स इन अ सीक्वेंस. द सीक्वेंस इज लाइक दिस. फर्स्ट इज एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज एंडोथीशियम, नेक्स्ट मिडिल लेयर एंड लास्ट इज टैपेटम. सो व्हेन वी सी व्हेन वी लुक एट दिस सीक्वेंसेस द आंसर कम्स लाइक दिस. मिडिल लेयर्स लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टैपेटम. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फोर वॉल लेयर्स एंड मिडिल लेयर्स लाइज बिटवीन एंडोथीशियम एंड टैपेटम. क्वेश्चन नंबर सिक्स. विच फंक्शन ऑफ टैपेटम इज करेक्ट. मीन्स द फंक्शन ऑफ टैपेटम दे हैव फोर ऑप्शंस. आउट ऑफ दैट विच फंक्शन ऑफ टैपेटम इज करेक्ट दैट वी हैव टू सेलेक्ट. ऑप्शन ए हेल्प्स इन पोलन वॉल फॉर्मेशन. ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इनर साइड ऑफ एंथर. ऑप्शन सी सिंथेसिस ऑफ कैलास एंजाइम फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द डायरेक्ट क्वेश्चन सो वी कैन टेल द आंसर. आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. मीन्स इट परफॉर्म्स ऑल अबोव ऑप्शंस. ऑप्शन ए बी सी ऑल फंक्शंस आर फंक्शन ऑफ टैपेटम. सो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर सेवन. द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड. ऑप्शन ए माइक्रोबायोलॉजी. ऑप्शन बी एंथोलॉजी. ऑप्शन सी पेलिनोलॉजी. ऑप्शन डी पोमोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी वी नो इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंथोलॉजी ऑल्सो वी नो इट इज नॉट द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स. पेलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कॉल्ड पेलिनोलॉजी. देन पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स. सो ऑप्शन डी ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी पेलिनोलॉजी. क्वेश्चन नंबर एट. वॉट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. वॉट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. ऑप्शन ए एमरजेंस ऑफ रेडिकल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब. ऑल ऑफ दिस. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. हियर वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर विच इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. हियर इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी वॉट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन. डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स. मीन्स विच सेल ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स एंड विच गिव्स टू टू मेल गैमेट्स. ऑप्शन ए वेजिटेटिव सेल. ऑप्शन बी जर्मिनेटिव सेल. ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर मदर सेल. ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. हियर वी हैव टू राइट द सेल और नेम ऑफ द सेल विच डिवाइड्स एंड गिव्स रेज टू टू मेल गैमेट्स. आंसर इज जर्मिनेटिव सेल. जर्मिनेटिव सेल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. जर्मिनेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म
टू मेल गैमेट्स. क्वेश्चन नंबर 10. इन अ फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, इट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन अ फुल्ली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट. ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इज 4. इट इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. आंसर इज 3 न्यूक्लियाई. इन अ फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट टोटल 3 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. मेगास्पोरांजियम विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड, व्हेन मेगास्पोरांजियम विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड. ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी ओव्यूल, ऑप्शन सी फनिकल, ऑप्शन डी छलाजा. आंसर इज ओव्यूल, ऑप्शन बी. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. मेगास्पोरांजियम विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट इज कॉल्ड ओव्यूल. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन माइक्रोपाइल छलाजा एंड हाइलम लाई इन अ स्ट्राइट लाइन द ओवल इज सेट टू बी, द ओवरी इज सेट टू बी. ऑप्शन ए एनाट्रोपस, ऑप्शन बी ऑर्थोट्रोपस, ऑप्शन सी एम्फीट्रोपस, ऑप्शन डी कैम्फाइलोट्रोपस. हियर ऑप्शन ए एनाट्रोपस मीन्स ओव्यूल इज इन्वर्टेड. ऑप्शन बी ऑर्थोट्रोपस मीन्स इज द राइट आंसर, विच वेयर माइक्रोपाइल छलाजा एंड हाइलम लाइन द स्ट्राइट लाइन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नथिंग बट ऑर्थोट्रोपस. ऑप्शन सी एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस अगेन हियर ओव्यूल इज इन्वर्टेड बट विच इज अटैच्ड. नेक्स्ट कैम्फाइलोट्रोपस, ऑप्शन डी इज वेयर ओव्यूल इज कर्व्ड. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट इन, मीन्स वेयर वेयर फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट. ऑप्शन ए सिनर्जिड्स, ऑप्शन बी एग सेल, ऑप्शन सी एंटीपोडल्स, ऑप्शन डी सेकेंडरी न्यूक्लियस. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. फिलीफॉर्म एपरेटस इज प्रेजेंट इन सिनर्जिड्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक. हियर वी हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक. ऑप्शन ए ब्रिंग अबाउट ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब, गाइड्स द पोलन ट्यूब इंटर सिनर्जिड्स, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ मोर देन 14 इन ट्यूब इंटू अ सिनर्जिड. नन ऑफ दीज. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. आंसर इज गाइड्स द पोलन ट्यूब इंटू अ सिनर्जिड्स. द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज ऑप्शन बी गाइड्स द पोलन ट्यूब इंटू अ सिनर्जिड्स. क्वेश्चन नंबर 15. द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एट अ टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, इट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सेल्स
प्रेजेंट इन अ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 8 सेल्ड, ऑप्शन बी 7 सेल्ड, ऑप्शन सी 6 सेल्ड, ऑप्शन डी 5 सेल्ड. मीन्स हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ डाइकॉट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन. द आंसर इज 7 सेल्ड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थैंक यू.